5,400 माइनस 45,000, तो वो जो आएगा उसमें से रिजर्व के लिए जाएगा। यस यस, तो अगर हम 49 नंबर मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा था। करते हैं, अभी रुक जाओ। 49 नंबर, 49 पूछ, 50 पूछ रहे हो ना आप? यस सर। ओके, सो 50 भाई करते हैं हम इसको। ओके, देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ रहा है, आपने करा है क्वेश्चन, ये यस सर। हाफ। इतना आ रहा है आपका 684,600, यस सर। 7,02,000 दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये रहा यहाँ यस पे और लास्ट में उसमें 18,000 इंटरेस्ट माइनस माइनस कर दिया, ठीक कर। है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 माइनस किया, सर 45,000 आया है माइनस कर दिया उसको। सर। पहले उसमें ड्राइंग प्लस करके अच्छा फिर ठीक है, पहले माइनस। उसको ड्राइंग्स ऐड कर दो, पहले ड्राइंग्स ऐड कर दो, पहले ड्राइंग्स ऐड कर दिया। यस सर। ओके, तो फाइव कितना कितना थाउजेंड आ गया अभी ये? पता नहीं मैंने नहीं किया। ओके, ये टोटल आपका आ गया 6,90,000, ठीक है। उसमें से 45,000 माइनस कर दीजिए, सर 6 लाख। ये आपका आया 6,90,000। सर 7,45,000 है। क्या सॉरी 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 क्या छोटी हूँ। सॉरी 5,45,000। 5 लाख हाँ आया सर रेमी, 5,45,000 का 10%। नहीं 5 लाख नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सर 45,000। हाँ, तो और इधर वाले का टोटल कितना बताया मैंने आपको? 6,90,000। 6,90,000, 690 में से 45 घटाओगे तो कितना होएगा? 5,45,000। सिर्फ 45 घटाना है भाई, 1,45,000 नहीं घटाना है। सर अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ, रुको, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट 684,600 है, ठीक है। इसमें फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी में 45 बताऊँ तो तो कितना। डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है? 6,45,000, 5,45 नहीं है, 6,45 है, सर 45,000 सिक्स लैख नाइनटी। फोर्टी फाइव थाउजेंड हाँ ठीक ये है। बोल रही थी 90 में से 45। हाँ नहीं तो वो कुछ नहीं वही बोल वाले रही यार, सिक्स आपका प्रॉब्लम है तो आप बोलो ना, उसने तो कुछ नहीं सर बोला। 6,45,000। आप 5,45,000 बोल रहे थे, तो अब 6,45 का 10% आ गया आपका 64,500। समझ आया? यस सर। तो आपको कहाँ डाउट था बोलिए, कहाँ हाँ आपको डाउट था? यही यही वाले में डाउट था सर। मेरा थोड़ा कैलकुलेशन मैं आपको, मुझे लग रहा है प्लस माइनस में गड़बड़ कर रखी थी आपने। यस सर। उस टाइम में मेरा मन भी नहीं कर रहा था ऑनेस्टली बनाने का, क्योंकि इतना बॉक्स बना बना के मेरा दिमाग कौन सा बॉक्स तो कहीं बनाना ही नहीं है, खराब। बॉक्स कौन से बनाए, हाँ कौन से बॉक्स बना के दिल खराब हो गया? नहीं इतना सारा बॉक्स बना के मेरा दिन नहीं मेरा मूड खराब हो गया। मैं मन नहीं कर रहा था बनाने का अच्छा आज। चलो ठीक, नहीं तो बॉक्स कौन से बनाए और यही मैं बोल रहा हूँ, बॉक्स तो कहीं है ही नहीं, यही पीएल का जर्नल का फॉर्मेट। बॉक्स चलो ठीक है, 51 पे आ जाते हैं अभी। यस 51 भी इसी तरह से होता है, सर वो बन जाएगा अब मेरे को अब शांत। बन सर जाएगा। 52 में आप कैसे हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट करने को बोले।
54, 52 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 52 54 तो अभी हमने करा ही नहीं है, 52 52 में जो आपको मैंने लिखा व्हाट्सएप पे उसका आप बोल रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बेसिकली ये बोला, आपने क्या किया था, आपने 52 में पीएल एंड अप्रोप्रिएशन जो है आपका, इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आपने सारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया यहाँ पे कि पहला 20% ये, फिर नेक्स्ट, तो वो सब वर्किंग नोट में जाएगा। यहाँ सिर्फ एक ही बार लिखना है प्रॉफिट इतना होगा। नहीं तो 52 में आपको मैंने क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है मुझे समझ में नहीं आया क्या, एक मिनट रुकिए। वो मतलब कुछ और क्वेश्चन था, वो जो कैपिटल की अच्छा रेशियो में 52, वो मैं, यस, 52 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने 52 का जब सॉल्यूशन किया तो उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ये सब क्यों नहीं दिया? मतलब क्यों कहाँ देगी, कैसे देगी, वो तो वर्किंग नोट पे देगी ना। हाँ वर्किंग नोट में देंगे, पर व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कंसेप्ट हमने यूज़ किया है कि जिसके कारण हमने नहीं दिया? अच्छा आप क्वेश्चन पूछ रहे थे यस वो, यस यस, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ क्योंकि वो जो एप्रोप्रिएशन था वो हाँ नेट प्रॉफिट से ज्यादा था यस, बस इतना इसलिए। सा बात है, ठीक है। हाँ तो मेरे को सो लगा वो गलत है इसलिए। ठीक है ठीक है, सो अब 52 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कबीर जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल वर कबीर, जोरावर एंड पारुल। तीनों जनों का कैपिटल आपको यहाँ दे दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यहाँ पर दे दिया है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज, पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है, कबीर और जोरावर दोनों को सैलरी मिलेगी, पारुल को मिलेगी 2% ऑन सेल्स कमीशन मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिले चार्ज होएगा 5%, एंड डिविजिबल प्रॉफिट्स का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सेल्स यहाँ दे दिया है, ड्राइंग्स बाय ईच पार्टनर हमें दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया, पीएल अप्रोप्रिएशन हमें यहाँ पर बनाना है। अब हमने क्या किया भाई, एग्ज़ाम में आया कि चलो पीएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट बना देंगे, तो हमने एग्ज़ाम में लेकर के और पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं एक मिनट, ये हमने यहाँ पर इसको ले लिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन को, हमने इसमें क्वेश्चन में आंसर में लिखा बाय नेट प्रॉफिट, ये बाय नेट प्रॉफिट आ गया। फिर हमने इधर स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को, क्या क्या है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कबीर जोरावर पारुल, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 26,000, 16,000, 10,000, तीनों को हमने ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर हमने लिख दिया टू सैलरी, कितना है सैलरी कबीर और जोरावर का। सर इसमें नोट क्यों कर रहे हैं जब नेट प्रॉफिट कम होएगा तो? ये तो अभी उसने बोल दिया इसलिए आपको मालूम है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम में क्या होएगा, मैं उसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ। आप दो एग्जाम मिनट में ऐसे लिखना है, 2 मिनट आप वेट करोगे, सॉरी सर। टू पार्टनर कमीशन पारुल 1 लाख, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दिस प्लस दिस, यहाँ पर ही 1 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पर रिजर्व्स आ जाएगा, उसमें आप थोड़ी मेहनत करोगे रिजर्व्स निकालने, रिजर्व्स करोगे फिर आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, फिर आप लिख दोगे कबीर जोरावर पारुल। अब जब आप क्वेश्चन करते हुए यहाँ पहुँचोगे फिर क्या होगा, आपको पता पड़ेगा कि यार अप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट तो सिर्फ 1,55,000 ही है एंड अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी मेरा यहाँ पर ज़्यादा हो गया। फिर आपको कंसेप्ट क्लिक करेगा कि मेरा कंसेप्ट बोलता है कि मुझे अप्रोप्रिएशन के रेशियो के अंदर प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो हुआ क्या, इतना बनाने के अंदर आपका पूरा टाइम चला गया,
एग्ज़ाम में टाइम ही तो बहुत प्रेशियस चीज़ होती है, तो ये बनाने में आपका पूरा टाइम चला गया। तो इसलिए जब भी पीएलएन अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो थोड़ा सा प्रिलिमिनरी पहले से देख लो कि भाई हाँ जो जो भी चीज़ देनी है वो प्रॉफिट से ज़्यादा तो नहीं हो रही है, ये मेरा है मैसेज है। वरना इतना सारा लिखने में कैलकुलेशन करने में कितना टाइम चला गया हमारा, 5-10 मिनट इसी में चले गए और वो टोटल टाइम वेस्ट है। मुझे वापस नए सिरे से करना पड़ेगा इसको, तो पूरा मुझे क्रॉस मारना पड़ेगा। तो दैट इज़ द मैसेज यहाँ पर, ये सारा मिला कर कि मेरा 155 से ज़्यादा 2 लाख रुपये हो गया है, तो इसलिए मेरा अप्रोप्रिएशन इज़ मोर देन प्रॉफिट। फिर मैं राइट तरह से करना स्टार्ट करूँगा उसको, तो बेटर है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा अगर इस टॉपिक में से आएगा तो सो पहले से ही आप उसको देख लीजिए कि करना क्या है। तो अब हम देखते हैं करना क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कबीर को मिलेगा, ये जोरावर को मिलेगा, पारुल को मिलेगा, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम सारे अप्रोप्रिएशन का एक नया रिवाइज रेशियो फाइंड करेंगे, देन पार्टनर सैलरी हम यहाँ लिखेंगे 24-24, फिर उसके बाद हम पार्टनर कमीशन लिखेंगे, सिर्फ पारुल को 1 लाख मिल रहा है, बस ये अप्रोप्रिएशन पूरा हो गया। जनरल रिजर्व जो है यहाँ पे 10% ट्रांसफर, ये जनरल रिजर्व में हम कुछ डालेंगे ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट बचा ही नहीं कुछ, डिविजिबल प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं, तो जनरल रिजर्व के पॉइंट को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो अब जब हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं तो कबीर के हिस्से में आए 50,000, जोरावर क्या है 40,000 और पारुल क्या है 1,10,000। तो अब इन तीनों का हम रेशियो निकालेंगे, इन तीनों अमाउंट्स का आपस में रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो विल बी 5:4:11, 5:4:11, इनका सम हुआ 20। इस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे कितने अमाउंट को, 1,60,000 को। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो होएगा ही होएगा, ऐसा नहीं मानना है कि भाई नेट प्रॉफिट कम हो गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उड़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनकम है फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी देयर। तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, टोटल 160 हो गया, और 160 को फिर हम डिवाइड कर देंगे 5:4:11 में। तो कबीर के हिस्से में आएगा 40,000, जोरावर के आएगा 32,000 एंड पारुल के आएगा 88,000, टोटल 160 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो इतना सा पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना था, ये वर्किंग नोट बनाना था। 5:3:2 के रेशियो में ना? नहीं, 5:3:2 का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जब अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा होते हैं तो हम एक नया रेशियो निकालते हैं जो कि टोटल अप्रोप्रिएशंस का रेशियो होता है, इस रेशियो के अंदर हम डिवीज़न करते हैं 5:4:11 के रेशियो में। कुछ डाउट रिमी? यस सर, है डाउट मेरे को। बोलिए क्या डाउट है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इन सबको ऐड करके जो रेशियो, यस इनको सबको ऐड करेंगे और फिर एक नया रेशियो निकालेंगे, वर्किंग नोट में दिखाना है ना? यस, ये सब वर्किंग नोट में आपको बनाना है। और रेशियो क्यों निकाला? क्योंकि लॉस को, बिकॉज अप्रोप्रिएशंस, टोटल अप्रोप्रिएशंस, देखो टोटल अप्रोप्रिएशन कितने हो गए, 2 लाख हो गए, 50+40+110, 2 लाख रुपीज देना है हमको सबको, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट जो बांटने के लिए 1,60,000 ही है ना। तो अब मैं क्या चीज़ पहले दूँ, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दूँ या मैं सैलरी पहले दूँ या पार्टनर कमीशन पहले दूँ, मैं क्या चीज़ पहले दूँ, सबकी प्रायोरिटी बराबर है। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इनका एक नया रेशियो फाइंड करेंगे और इस रेशियो में टोटल 1,60,000 को हम डिवाइड कर देंगे। तो सर उस प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे या डेबिट साइड? डेबिट साइड ही ऑफ कोर्स। कौन से प्रॉफिट को? ये जो अभी आप रेशियो में भाई 5:4:11 है, देखिए 1,60,000 हो रहा है कभी, तो 1,60,000 को 5:4:11 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो फिर उसको डेबिट साइड ही ना लिखेंगे? हाँ डेबिट साइड में लिखा हुआ है ना, देखो इधर ये येलो कर रखा है, इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं। यस सर, ठीक है ना। और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की तरफ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ आपको, कबीर, जोरावर, पारुल, ठीक है जी। तो कितना है, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 / 20, इधर इसका हो जाएगा
फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी, समझ गए। समझ गए? ओके यस। दक्ष आपको समझ में आ गया? पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था ना। पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है हाँ बट इसमें थोड़े आइटम ज़्यादा हैं। दक्ष आपको समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। तो इसमें दो कंसेप्ट आपके टच हो रहे हैं। पहली बात तो हो रहा है अप्रोप्रिएशन अगर ज़्यादा है नेट प्रॉफिट से तो आप, ये तो क्वेश्चन आया बट हम लोग ऐसे नहीं करते थे। नहीं नहीं ऐसे ही करा था हाँ वही तो, एक्चुअली। इसमें देखो इसमें सब चीज़ आ गई, सेल रेशियो नहीं निकालते थे, रेशो भी निकाला था। लॉस आ जाता था तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे क्रेडिट साइड पे। नहीं, लॉस की यहाँ बात ही नहीं है, तो प्रॉफिट है ना, लॉस कहाँ यहाँ पे, यहाँ प्रॉफिट है, लॉस का क्वेश्चन नहीं है। पहले जब ये क्वेश्चन आया था तब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, यहाँ सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब चीज़ आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप मार्क करके रख सकते हैं अपने बुक में, वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है आपकी बुक का ये। तो दो कंसेप्ट इसमें टच हुए, पहला अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है तो अप्रोप्रिएशन के रेशियो में करेंगे, एंड रिजर्व्स को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जब प्रॉफिट पार्टनर को देने के लिए नहीं है तो रिजर्व कहाँ से बचाएं। मैं रिजर्व तब बचाया जाता है जब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जिसको मैं भविष्य के लिए बचा के रख सकता हूँ, है ना। अदरवाइज मैं रिजर्व बनाने का कोई मुझे मीनिंग नहीं है। तो ये 52 हो गया। नेक्स्ट 53 पे आ जाते हैं। एक्स एंड वाई एंटर्ड इन टू पार्टनरशिप ऑन 1st of April 2018। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1st April 2021 वर 2 लाख एंड 1 लाख 50,000 रेस्पेक्टिवली। तो ओपनिंग कैपिटल आपको उन्होंने दे दिया है ऑन 1st of October 2021। एक्स गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म 1st अक्टूबर को, मतलब 6 मंथ्स के बाद एक्स ने 50,000 का लोन दिया है फर्म को। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला जाएगा तो 6 मंथ्स का निकाला जाएगा, 12 मंथ्स का नहीं निकलेगा। इंटरेस्ट रेट कुछ दिया नहीं है, अगर आगे भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है तो 6% इंटरेस्ट रेट होगा। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है जो प्रॉफिट को, उसके लिए उन्होंने एक नई चीज़ दे दी। क्या बोला है? 20% ट्रांसफर करना है। किसका 20%? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड नहीं करोगे आप प्रॉफिट के अंदर, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस, सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो डिविजिबल प्रॉफिट की डेफिनेशन है वही की वही है, ओनली थिंग इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इसने यहाँ पर छोड़ दिया, ऐड नहीं किया, है ना। अदरवाइज डिविजिबल प्रॉफिट वाली ही डेफिनेशन है। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से देना है, कैपिटल आपको शुरू में यहाँ पर दिया हुआ है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% से आपको चार्ज करना है। ड्रॉइंग्स का अमाउंट अभी यहाँ दिया नहीं है। एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000, एक्स को मंथली सैलरी 5,000 की मिलेगी और वाई को सैलरी जो है वो 22,500 पर क्वार्टर मिलेगी। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, सो वाई की सैलरी होगी 22,500 मल्टीप्लाइड बाई फोर फोर यस। एक्स की सैलरी होगी 5,000 इंटू 12। पॉइंट नंबर 4, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। एक्स को जो है सेल्स का 5% कमीशन मिलता है। सेल्स फॉर द ईयर वर 3,50,000, पूरे साल की सेल्स जो है वो है 3,50,000। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। तो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें उन्होंने बताया था 20,000 तक इस तरह से प्रॉफिट दो, उसके अगले 30,000 को ऐसे दो, बाकी को इक्वली करो। वैसा ही पॉइंट यहाँ पे है कि प्रॉफिट 1,75,000 तक कैपिटल के रेशियो में डालना है और बाकी का जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 4,61,000। तो यहाँ इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन की ये बात कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज या लेने से पहले 4,61,000 प्रॉफिट है।
ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 1,00,000 एंड 1,25,000 रेस्पेक्टिव, ड्राइंग्स भी आपको दे दिया। अब हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, एंड पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यूजुअली एग्जाम के क्वेश्चन में जर्नल भी आ जाए, पीएल अप्रोप्रिएशन भी आ जाए, कैपिटल अकाउंट भी आ जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। या तो जर्नल एंट्रीज आएगी या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट आएगा, तीनों चीज़ें कम ही चांस होते हैं एग्जाम के क्वेश्चन में आने के। ओके, तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। बिफोर अलोइंग ऑफ आवर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 461,000 पर, मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन का बेसिकली इसका इंटेंशन है लिखने का, कि इंटरेस्ट ऑन लोन अभी इस प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट नहीं हुआ है। तो 53 नहीं होगा, होएगा ना चार्ज, इसने जो प्रॉफिट दिया इसमें से कटा नहीं है, लेकिन हम काट के फिर उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन में उसको लिखेंगे। तो देखिए 461,000 है प्रॉफिट जो क्वेश्चन ने मुझे दिया है, 461,000 प्रॉफिट है। एक्स ने लोन दिया था 50,000 का 1 अक्टूबर को, तो 6% से इसका प्रॉफिट, एक साल का जो है इंटरेस्ट हुआ 3,000 रुपीज़, और 6 मंथ्स का हुआ आपका 1,500 रुपीज़। तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, 1,500 रुपये हम लेस कर देंगे, बाकी कितना बचा 459,500। ये हमारा पी एन एल अप्रोप्रिएशन में इस तरफ आएगा 459,500 रुपीज़। 461 में से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, और ड्राइंग्स क्वेश्चन में हमें इसने यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई 1,00,000 एंड 1,25,000 रेस्पेक्टिवली। तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, और क्योंकि ड्राइंग्स की डेट नहीं दी है कि मंथ के शुरू में एंड में कब है, तो इसलिए हम 6 मंथ्स का उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 6 मंथ्स का जब आप करोगे तो 5,000 रुपये एक्स की आ जाएगी। इसी तरह से वाई का 1,25,000 है, 10% होता है 12,500, और उसका आधा होता है 6,250। तो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 11,250। क्रेडिट साइड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल 2,00,000। ये 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट जब जनरल तो माइनस कर देंगे ना उसके बाद ना जो प्रॉफिट, जब जनरल रिजर्व पे आएंगे तब डिस्कस करते हैं, वेट करिए एक बारी। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट देना है। कैपिटल कितना दिया है? 2,00,000 एंड 1,50,000। तो 2,00,000 का 12% इज 24,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 24,000 हो गया। वाई का है 1,50,000, 1,50,000 का 12% विल बी 18,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ डाल दिया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो पॉइंट नंबर 2 इज ओवर। पॉइंट नंबर 3, एक्स का सैलरी 5,000 मंथली है, तो 60,000 एनुअली हो गया। वाई का सैलरी 22,500 पर क्वार्टर है, मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 हो जाएगा। तो वाई का सैलरी 90,000, टोटल हो गया आपका 1,50,000। तो अब आपका पॉइंट नंबर 3 भी ओवर हो गया, इस पर भी आप टिक मार सकते हो जब आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं क्वेश्चन को तब। पॉइंट नंबर 4, एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। सेल्स 3,50,000 है, इसका 5% हम निकालेंगे तो 17,500 इसका कमीशन आ जाएगा। तो ये पार्टनर कमीशन यहाँ पर हमने डाल दिया 17,500। पॉइंट 2 ओवर हो गया, 3 ओवर हो गया, 4 हो गया, 5 रिजर्व्स के बाद होगा, तो 5 अभी नहीं होगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। नेट प्रॉफिट टोटल जो था आफ्टर लोन 4,59,500 था, या हम लिख देते हैं आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल था 42,000।
इसको हम माइनस करेंगे, पार्टनर सैलरी को माइनस करेंगे 1,50,000, और पार्टनर कमीशन को माइनस करेंगे 17,500। तो 42,000 माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कर दिया 1,50,000, कमीशन माइनस कर दिया 17,500, बाकी कितना बचा 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड नहीं किया, नॉर्मली डिविजिबल प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे स्पेसिफिकली बोला भाई बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करना है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड नहीं किया, सिंपल 250 पे 20% निकाल दिया, तो जनरल रिजर्व आ गया मेरा 50,000 का। अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता तो मैं इसमें ये भी ऐड करता, जो ये है 11,250, इसको भी मैं ऐड करता और मेरा डिविजिबल प्रॉफिट बनता 261,250, इसका फिर मैं 20% करता, 52,000 होता मेरा जनरल रिजर्व। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्वेश्चन ने मना कर दिया, दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसको 50,000 पे ही रखा है। अब ये रिजर्व आ गया जनरल रिजर्व 50,000, बाकी जो प्रॉफिट बचा, बाकी प्रॉफिट कितना बचा वो देख लेते हैं। 47,750 है माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500 माइनस जनरल रिजर्व 50,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 211,250, 2,11,250 बचा है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। पॉइंट नंबर 5, 1,75,000 तक का प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में देना है। पहले जब पॉइंट आया था तब मैंने आपको बताया था कैपिटल का रेशियो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है, तो यहाँ भी कैपिटल का रेशियो यूज़ हो रहा है। कैपिटल कितनी है 2,00,000 and 1,50,000, रेशियो निकालेंगे 2,00,000 1,50,000, तो कितना हो, जीरो, चार जीरो हटा देंगे तो बचा कितना 20,15,4:3। तो एक इस 2,11 में से 1,75 को हम बांटेंगे 4:3 के रेशियो में, कितना होएगा टोटल लगा देते हैं, 175 × 4/7, 175 × 3/7, तो एक जने को, x को मिलेंगे 1,00,000, y को मिलेंगे 75,000, बाकी कितना बचा टोटल प्रॉफिट 211,250 था, उसमें से 175 बांट दिया, बाकी बचा कितना, दिस माइनस दिस 36,250 यहाँ पर बच रहा है, उसको हमें बांटना है इक्वली, तो आधा इसको दे देंगे और आधा इसको दे देंगे, ऐड कर दीजिए 118,125 एक्स का हो गया, 93,125 वाई का हो गया, ये हमने यहाँ पर इसको डाल दिया। एनी डाउट्स दक्ष, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है रेमी, आपको समझ आ गया? यस सर। ये पीएल अप्रोप्रिएशन यहाँ पर बन गया। अब कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन में जितनी चीज़ें डेबिट में लिखी है सारी चीज़ों को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे, जनरल रिजर्व को छोड़ करके, जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, पार्टनर सैलरी डाल दिया, पीएल अप्रोप्रिएशन डाल दिया, पार्टनर का कमीशन डाल दिया, बैलेंस ब्रॉड डाउन डालेंगे पहले, जो कैपिटल उनका है 2,00,000 and 1,50,000। सो बेसिकली एक्चुअली कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे हो उस टाइम कुछ कैलकुलेशन बचती नहीं है, सारी जो कैलकुलेशन का काम है वो तो सब पीएल अप्रोप्रिएशन में हो चुका, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ देख देख के भरने का काम रह जाता है बस। इधर ड्राइंग्स लिखेंगे 1,00,000 और 1,25,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है डेबिट की तरफ कैपिटल में, और ड्राइंग्स लिखना भूलना नहीं है भाई। होगा क्या कि आप पीएल अप्रोप्रिएशन में से देख देख करके फटाफट भर दोगे और ड्राइंग्स लिखना है भूल जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है, ड्राइंग्स को भी यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन में से पढ़ के, फिर बैलेंस कैरी डाउन आएगा जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन ओवर हो गया।
वर्किंग नोट्स आपके, वर्किंग नोट्स यूजुअली यहाँ पर सारे नीचे लिख बनाए मैंने, वर्किंग नोट को जो आप पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हो उसके पहले भी बना सकते हो, तो वर्किंग नोट का ऐसा कुछ नहीं है कि पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद में जर्नल मत बनाओ उसके। जर्नल मैंने यहाँ बनाया हुआ नहीं है, बट उस क्वेश्चन में जर्नल भी पूछा है हाँ क्वेश्चन। सर हम लोग बना लेंगे। हाँ आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 53 हो गया। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का टॉपिक ओवर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स, नेट हाँ जी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स, वो हम करेंगे, वी विल डू दैट, है ना। एक बार जब ये डिविजिबल प्रॉफिट्स का कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा ढंग से थोड़ा सा, देन हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी करेंगे। अभी अगर मैंने एक और बार बता दिया तो अभी वो आई थिंक रिम्मी को वापस कन्फ्यूजन ना हो जाए उसमें, तो वी विल डू इट। अब नेक्स्ट हमारा आ गया टॉपिक एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन। अब क्या है कि सब आपने बना लिया, पीएल बना लिया, पीएल अप्रोप्रिएशन बना लिया, सब काम कर लिए, लेकिन बाद में पता पड़ा यार कुछ गलत कर दिया, है ना। गलती किसी से भी हो सकती है, और अकाउंट्स करते हैं तो उसमें तो गलती होती होती है। कैसे गलती कर दी भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देना तो था 10% से, गलती से, मिस्टेक से हमने दे दिया 9% से। गलती हो गई बाद में मालूम पड़ रही है। जब सब हो चुका है, सारी एंट्रीज वेंट्रीज हो गई, पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया, उसके बाद पता पड़ रहा है कि गलती कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% से, दे दिया हमने यहाँ पर 12% से, गलती हो सकती है। सैलरी देनी थी, है ना, सैलरी देनी थी, मान लीजिए 5,000 रुपये, देना भूल गए, ओमिटेड, ओमिट मतलब देना ही भूल गए, देनी तो थी 5,000 लेकिन देना भूल गए। या सैलरी नहीं देनी थी, निल थी, गलती से 10,000 रुपये सैलरी यहाँ पर हमने दे दी। मतलब ये जस्ट आपको गलतियों के एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ऐसी ऐसी गलतियाँ हो सकती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि गलती आपसे एग्जाम में हो रही है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसकी फर्म है उसने ये गलतियाँ कर दी, तो अब उन गलतियों को आप ठीक करोगे, ठीक है ना। और गलती कैसे हो सकती है? प्रॉफिट जो आपको शेयर करना था 5:2:1 के रेशियो में, आपने गलती से, जस्ट वन मिनट, 5:2:1 के रेशियो में आपने गलती से कर दिया उसको 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, मतलब गलत रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स है गलतियों के, और भी गलतियां ऐसी हो सकती है। अब प्रॉब्लम पॉइंट इसकी गलती है तो उसको ठीक कैसे करें? फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना था, 9% से दे दिया, कैसे ठीक करोगे? सर 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9%, सॉरी 10% से देना था, 9 से हमने दे दिया, कैसे ठीक करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके, हाँ जी, माइनस करके, माइनस कर, 1% जो एक्स्ट्रा गलती से दे दिया उसको वापस ले लेंगे, है ना। तो इसको करने का एक तरीका होता है, जो तरीका अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि इन मिस्टेक्स को हम ठीक कैसे करेंगे, वो हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 54। रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट, यहाँ तो गलती जो है 3 साल बाद पता पड़ रही है ना, पिछले 3 साल के फर्म के टोटल प्रॉफिट्स कितने थे? पहले साल के 1,40,000 थे, दूसरे साल के 84,000 थे, तीसरे साल के 1,06,000 थे। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स इन्होंने आपको यहाँ दे दिए। दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, गलती से प्रॉफिट्स को बराबर बराबर बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, लेकिन गलती से इक्वल इक्वल उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
तो एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, हमें इस गलती को अब सुधारना है, और सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री बनानी है। रेक्टिफिकेशन मतलब गलती को ठीक करना। क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? नो सर, यस सर। ये नो और यस दोनों का क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि पढ़ा भी था और नहीं भी पढ़ा। अच्छा, इसका मतलब तो मुझे ये समझ आया कि सिलेबस में तो था लेकिन आपने छोड़ दिया था। दक्ष, आपने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? थोड़ा थोड़ा पढ़ा था थोड़ा थोड़ा पढ़ा इलेवेंथ था। क्लास में। देखिए, इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11th में आपने पढ़ लिया, इसका 12th में क्या इम्पोर्टेंस है ना? 12th में इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि आगे भी जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस में क्या है, एक एरर टाइप का भी एक पॉइंट डाल देते हैं वो, कि ये गलती हो गई थी इसको ठीक करना है, ऐसा कई सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो इसलिए वो कंसेप्ट हमें यहाँ पर भी मालूम होना चाहिए, है ना? तो बिफोर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट्स के अंदर गलती को ठीक कैसे किया जाता है। एक जनरल सा प्रिंसिपल बता रहा हूँ जिससे आपको पूरा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप अपनी नोटबुक में सॉल्यूशन कर रहे होते हो, आप 4000 लिख देते हो, अगर आपसे गलत हो जाता है कि यार नहीं 4000 सही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप उस 4000 को लाइन का काट देते हो और 5000 लिख देते हो, 5 लिखना था। तो ये तरीका होता है आपका लिखते टाइम गलती को सुधारने का, है ना? जो गलत लिख दिया उसको काटा और 5000 लिख दिया। अकाउंट्स के अंदर यूजुअली काटना, डिलीट करना, है ना, ये सब अलाउड नहीं होता। बिकॉज क्या होता है, अकाउंट्स एक बहुत सेंसिटिव मनी मनी मैटर्स होते हैं, है ना? तो अगर आपने, जैसे मान लिया एक बहुत बड़ी कोई कंपनी है, मान लीजिए एशियन पेंट्स कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, उन कंपनीज़ में करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हैं, है ना? तो अगर आपने किसी को ट्रांजैक्शंस को डिलीट करना, कट करके ठीक करना, ये सब अलाउ कर दिया आपने, तो फिर किसी ने फ्रॉड किया तो फ्रॉड का कुछ ट्रेल नहीं रह जाएगा, सबूत नहीं रहेगा भाई इसने फ्रॉड किया कुछ, वो मिटा मिटा करके और सही कर देंगे चीज़ों को। सर वो भी लिख लिख के बनाते होंगे। वो सब कंप्यूटर में बनता है ना? बट कंप्यूटर में मान लीजिए कोई जर्नल एंट्री करी है, आपने डिलीट का परमिशन दे दिया, डिलीट तो उड़ा देगा गलत एंट्री को, है ना? या कुछ फ्रॉड किया था, पकड़ में आने की आई तो वो उड़ा देंगे, डिलीट मार देंगे एंट्रीज को, ठीक है ना? या अगर बड़ी अब तो बड़ी छोटी सब जगह मैनुअल अकाउंट्स तो यूजुअली कहीं होते ही नहीं है, बट अगर मैनुअल अकाउंट हो तो आपने अगर इरेज करने का दिया, वाइटनर लगा देगा उसके ऊपर, इरेज करके और उसको ठीक कर देगा। तो यूजुअली अकाउंट्स के अंदर अलाउड नहीं होता डिलीट करना और इस तरह से। तो फिर गलती ठीक कैसे करें? मान लीजिए कि आपने एक एंट्री करी है कैश अकाउंट, मान लीजिए आपने एक एंट्री करी है सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लीजिए आपने ये एक एंट्री करी है 10,000, 10,000, ठीक है ना? तो अब क्या है कि ये एंट्री गलत है, मुझे इसको ठीक करना है, तो मुझे ये अलाउड नहीं है कि मैं इसको डिलीट करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करना है तो मैं इसकी रिवर्स एंट्री करूंगा। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो मुझे एक और एंट्री डालनी पड़ेगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो अब जब मैं इसको करूंगा तो अब इसका नेट इम्पैक्ट क्या रह गया, जीरो। एक बार कैश अकाउंट डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया तो जीरो हो गया, सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, इम्पैक्ट जीरो। तो दिस इज द वे आई एम डिलीटिंग द एंट्री। तो ये अकाउंट्स का बेसिक प्रिंसिपल, आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे, आपसे कोई एंट्री गलत डल गई, है ना, आपसे कोई गलत एंट्री डल गई, वो अप्रूव हो गई, आपके बॉस ने अप्रूव कर दिया एंट्री को, बाद में आपको पता पड़ा गलत है, तो आप जाके उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम आपको अलाउ ही नहीं करेगा डिलीट करने का, आपको क्या करना पड़ेगा ठीक करना है, तो आप रिवर्स एंट्री डालेंगे। तो अब मेरे सिस्टम में ये ओरिजिनल वाली भी है और ठीक करने वाली भी है। जो भी चेक करने आएगा अकाउंट्स को जो चेक करने आएगा, इंस्पेक्टर या ऑडिटर जो भी, उसको पता है भाई पहले ही एंट्री डाली है, फिर इसको ठीक करने के लिए डाली गई है, तो उसके नज़र के सामने दोनों एंट्रियाँ हैं, वो अब वो जज कर सकता है भाई यहाँ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो ये ऑब्जेक्टिव है, गलती भी सामने है, सुधार भी सामने है, ठीक है ना? तो ये आपका यहाँ पर तरीका होता है।
तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो आपने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, जो शुरू में बोला नहीं, बताया नहीं जाता कि दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, और आप उसकी एंट्रीज डालना शुरू कर देते हो। अगर आपको समझ आ गया कि भाई बेसिक कंसेप्ट ये है कि एंट्री उल्टी करनी है, तो देन फिर आपको उस चैप्टर को समझने में आसानी होती। तो इसी तरह से इसी कंसेप्ट को पकड़ के हम क्या करेंगे, हमने 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अच्छा, इसी में मैं एक और बात आपको बोलता हूँ, ये एंट्री जब मैंने डाली तब तो मैंने रिवर्स किया है सिर्फ। अब अगर मुझे सही एंट्री जो डालनी थी वो 8,000 की थी, तो मैं एक और एंट्री डालूँगा 8,000 की। तो अब क्या हुआ, अब इन दोनों एंट्री का तो इम्पैक्ट जीरो हो गया, और 8,000 की एंट्री मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ गई है। तो ये प्रिंसिपल हम फॉलो करके इसको ठीक करेंगे। हम क्या करेंगे, 10% से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया उसको रिवर्स कर दो, एंट्री को जो एंट्री डाली थी एज इट इज़ उठा के रिवर्स कर दो, 9% की नई एंट्री डाल दो, है ना। तो इस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हो मिस्टेक्स को। यूजुअली क्या होता है, गलतियां कई सारी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी हो गई, सैलरी में भी हो गई, सारी गलतियां हो गई, सारे के सारे ट्रांजैक्शन मेरे जा तो कैपिटल अकाउंट में ही रहे हैं, तो हम सिर्फ एक कॉमन एंट्री कर देते हैं जिससे सारी गलतियां ठीक हो जाती है। वो कैसे एंट्री करते हैं वो हम यहाँ आप समझ रहे हैं। तो प्रॉफिट देना था बराबर बराबर का, नहीं सॉरी, प्रॉफिट देना था 3:2:1 में, लेकिन हमने दे दिया इक्वली। तो जब प्रॉफिट दिया था तब हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, जब प्रॉफिट बांटा था तब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब ये गलत है, तो मैं रिवर्स करूंगा, तो मैं अब कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा उतने ही अमाउंट से जितने अमाउंट से मैंने क्रेडिट किया था। तो 54 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। आपको देखिए इस तरह का एक टेबल बनाना होगा, डिस्क्रिप्शन। अब पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट नहीं, अभी नया फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन पहले यहाँ बनाएंगे। मतलब ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो उसको वापस लेना है। Yes. तो इसे डेबिट करें। Yes. समझते, देखिए फॉर्मेट समझिए, पहले डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, फिर जो भी पार्टनर है उनके लिए दो दो कॉलम बनाए। रिया है, रिया के लिए डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाओ, मोना के लिए डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाओ, निशा के लिए डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाओ, और एक लास्ट में फर्म के नाम से कॉलम बनाओ डेबिट और क्रेडिट। तो ऐसे एक एक करके नहीं बना सकते, साइड में बस पार्टिकुलर से जो जो रहते हैं। एक एक करके मतलब जैसे पार्टिकुलर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत हुआ है वो, और फिर जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो, और उसके बाद रिया मोना निशा एक एक करके कॉलम बस। हाँ, उसमें जो क्रेडिट करना रहता है वो ब्रैकेट करके, और फिर हाँ बिल्कुल 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 यस मेरा भी। हाँ तो यहाँ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, पर्टिकुलर्स लिख दीजिए, है ना, ये एक ही बात है। फिर तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट ये कॉलम्स बनाने हैं। आप कुछ अलग तरह से बनाने का बोल रहे हो? यस सर, जैसे जो क्रेडिट होगा, नहीं हाँ जो डेबिट होगा वो ब्रैकेट करके, और फिर ऐसे जो क्रेडिट होगा वो नॉर्मल। अच्छा, एक ही कॉलम है, डेबिट को ब्रैकेट में लिख दोगे और क्रेडिट को उसमें लिख दोगे। यस सर। देखो डेबिट को ब्रैकेट में लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, व्हाई आई शुड राइट डेबिट अमाउंट इन ब्रैकेट? सर लॉजिक है। क्या लॉजिक है बताइए। क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नेट इफेक्ट निकालने के लिए। अच्छा, तो कैपिटल, आप बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट में सब्ट्रैक्ट होता है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दोगे आप? नो सर, नेट इफेक्ट निकालने के लिए, मींस भाई देखो करेक्ट करने के लिए जो आप बता फॉर्मेट बोल रहे हैं आप इस तरह का ऐसे बनाएंगे ना तो हम लोग का कॉपी आगे नहीं है, छोटा है, इतना सा तो है, इसमें क्या दिक्कत है? आप बोल रहे हो ऐसे पर्टिकुलर्स रिया ठीक है ना। अब आपने जैसे यहाँ पर 1,10,000 को ब्रैकेट में लिखोगे, माइनस में लिखोगे बेसिकली, और प्लस में लिखोगे 1,65,000, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ हाँ
लिख सर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ तो फिर आपका प्रॉफिट क्रेडिट ही होगा, नहीं, मतलब वो तो अभी आप वहाँ तक बोलते पहुँचे ही नहीं। अभी एक बार अभी हम सिर्फ अभी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। देखो, मैं सजेस्ट आपको ये हो। करूँगा कि आप DR क्रेडिट का कॉलम अलग अलग बनाओ। माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न होने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि ठीक है, आप उस तरह से कर सकते। देखो, ऊपर क्वेश्चन पहले ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन सब जो बनाए वैसे आदत हो चुका है इसलिए आदत हो चुका है तो ठीक है। वैसे देखो, ऊपर इसी कंफ्यूजन क्वेश्चन वैसे भी ये तो ऊपर इसमें तो इसी एंट्री क्वेश्चन निकालना है ना, तो फिर देखो ऊपर उसको इसी क्वेश्चन को बिना किसी वन। फॉर्मेट के भी सॉल्व किया गया है। दो दो मेथड्स यहाँ सॉल्व किया गया है। एक इसमें इस फॉर्मेट में किया गया है और दूसरा हमने यहाँ पर बिना किसी फॉर्मेट के भी सॉल्व किया। तो अल्टीमेटली तो हाँ, हमें वो इसको फर्स्ट वाला सॉल्यूशन यस निकालना यस है। बट मैं सजेस्ट यही करूँगा आप इसी तरह से बनाओ, क्योंकि इसमें क्लैरिटी आई क्लैरिटी आएगी वो अभी देखिए कैसे क्लैरिटी आएगी। जब प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था तब पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब हम उसको डेबिट कर हाँ देंगे। तो डेबिट कर देंगे तो अब डेबिट की तरफ हम लिखेंगे कितना है प्रॉफिट। टोटल जोड़ दीजिए, तीनों साल का प्रॉफिट है एक साथ जोड़ दीजिए तीनों को। 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, तो 3,30,000 का टोटल प्रॉफिट है जो कि हमें हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे कर दिया? 1,10,000 इसको दे दिया, 1,10,000 इसको दे दिया, 1,10,000 इसको दे दिया। तो जितना आपने डेबिट किया उतना का उतना टोटल मिला के फर्म में क्रेडिट की तरफ आपको लिखना है। फर्म में क्रेडिट की तरफ आपको लिखना है यहाँ पे। फिर फॉर्म का कॉलम बनाना जरूरी है। अच्छा यस, फर्म का कॉलम बनाना जरूरी है। फर्म का कॉलम बनाना जरूरी है ताकि हमें पता पड़ जाता है कि हमने सारा लिख दिया है। फर्म का टोटल शुड बी जीरो। फर्म सिर्फ का 1,10,000 डेबिट करना है। डेबिट कर देंगे ना भाई, पहले क्रेडिट किया था, अब गलती सुधारने के लिए हम डेबिट कर देंगे। भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से वापस ले लिया पैसा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से हमने पैसा वापस ले लिया। अब उनको थ्री ओके लाख थर्टी थाउजेंड जो सही रेशियो है उस रेशियो में हम उनको पैसा दे देंगे। क्या रेशियो है? 3:2:1। तो जब हम इसको 3:30 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 3/6, तो 1,65,000 से रिया क्रेडिट होगी। फिर 2 है यहाँ पे, तो 3,30,000 इंटू 2/6, 1,10,000 से मोना क्रेडिट होगा, और मोना को एकदम सही है आपने। इंटू 1/6, 55,000 से निशा विल बी क्रेडिटेड। और तीनों क्रेडिट किया तो टोटल इनका जो है फर्म की तरफ डेबिट में लिखना है 3:30। अब मुझे पता पड़ गया कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा इक्वल हो चुका है। आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर इस फर्म के कॉलम का आपको यूज़ होएगा। यहां आपको लग रहा है कि जीरो हो गया, बट इट विल बी यूज्ड। आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। तो फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना है, इसमें आपको चेंज नहीं करना। अब देखिए रिया, रिया के अंदर देखते हैं। रिया को अब मुझे क्या करना है? डेबिट करना है 1,10,000 से, क्रेडिट करना है 1,65,000 से। तो नेट नेट एंट्री में डालूंगा तो रिया कितने से? 55,000 से क्रेडिट होगी। रिया 55,000 से क्रेडिट होगी। मोना में डेबिट क्रेडिट बराबर है तो मोना को कुछ भी गलत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। निशा डेबिट 1,10,000 से है, क्रेडिट 55 से, मतलब निशा का डेबिट एक्सेस है। तो निशा को नई एंट्री में डेबिट करना है 55 से। अब मैं एंट्री डाल दूंगा निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट 55। निशा को 55,000 मिलना चाहिए बट उसको 1,10,000 मिल गया। लेकिन उसको 1,10,000 मिल गया। यस, और रिया कैपिटल अकाउंट 55,000। मिल गया तो ये एक तो फॉर्मेट है। माइनस करके इसी 55। चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते थे। 1,10,1,10,1,10, रिया मोना निशा। सही मिलना कितना था? 165,110,55। माइनस कर दीजिए 55, डेबिट क्रेडिट आपको मिल गया, है ना। तो इतना सब फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब क्वेश्चन में ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं तो फिर ये फॉर्मेट आपको काम आते हैं, ये ना। अदरवाइज डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग से भी आप समझ सकते हो कि इसको 55,000 रुपये कम मिले थे आप देने, इसको 55,000 ज़्यादा मिल गए थे, वो इसके पैसे काट लेने। दक्ष, आपको समझ आ गया क्वेश्चन? सर पीएल यस अप्रोप्रिएशन सर। बनाते तो चेक कर सकते हैं ना। तो PL अप्रोप्रिएशन ही तो है, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, इसमें और कुछ है ही नहीं। PL अप्रोप्रिएशन में अलग से वर्किंग आप नोट में पीएल अप्रोप्रिएशन बना के भी ना चेक कर सकते सर हैं। वीसा का अकाउंट डेबिट और फिर रिया का अकाउंट क्रेडिट क्यों किए?
निशा का अकाउंट डेबिट क्यों किया? हाँ देखो, निशा निशा को पहले ज़्यादा पैसे दे दिए थे, सो निशा को ज़्यादा पैसे दे दिए थे, वन दे लैख टेन दिया थाउजेंड देने उसको सिर्फ 55 ही थे, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है। उसके उसमें से पैसा काट लिया। रिया को 1,10,000 दिए, लेकिन उसको मिलने 165 चाहिए थे, 165 55 उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और मिलना था तो इसीलिए ये है, तो डेबिट क्रेडिट का कॉलम अलग बनाने से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है। माइनस प्लस करने में क्या होगा, अगर कोई एडजस्टमेंट इस तरह का आ गया जिसमें माइनस करना है, आपको माइनस ही लिखना है, तो वहाँ फिर आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया श्रेया? यस रिमी समझ में आ गया? ठीक सर है बहुत ना, तो ये अच्छे क्वेश्चन आसान सा था, है ना? इसमें अभी आगे क्वेश्चन और थोड़े, से लेकिन कॉपी में नहीं आएगा इतना लंबा कॉपी में क्यों तो नहीं आएगा, छोटे छोटे नहीं से तो आएगा कॉलम बनाने हैं आपको। सिर्फ वो बहुत अमाउंट छोटा छोटा लिखना पड़ता है तो हाँ, छोटा अच्छा छोटा नहीं लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं अच्छा लगता है कॉपी से फिर वो हो जाते एकदम गोच पोच देखो, ये जगह उतनी है जितने में मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन बना रखे थे, ऊपर कैपिटल अकाउंट बना रखे थे, उससे ज़्यादा जगह मैं यहाँ पे भी नहीं ले रहा हूँ, और आपकी नोटबुक में नहीं आएगा ऐसा मैं मान नहीं सकता, ठीक है ना? आराम से नोटबुक में आएगा, ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर आने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग, पी एंड क्यू आर प्रॉफिट पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बराबर बराबर वो बांट रहा था, ठीक है ना? देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 2 लाख फिक्स्ड एंड 3 लाख कैपिटल रेस्पेक्टिवली। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 2 लाख 3 लाख, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 2016, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हमने प्रॉफिट यहाँ बांट दिया, एडजस्टमेंट इंटरेस्ट एंट्री ऑन करनी है। कैपिटल को क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट है वो क्रेडिट करेंगे, मीन्स थोड़ा एक्सप्लेन करिए, हाँ एक्सप्लेन करिए आप क्या बोल रहे हो उस बात को। सर तो मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे जितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ठीक है, एंड प्रॉफिट्स का क्या करेंगे? सर प्रॉफिट को डेबिट करेंगे प्रॉफिट्स को डेबिट करेंगे। तो पर टोटल प्रॉफिट कितना है देखो, इसमें का टोटल प्रॉफिट तो कहीं दिया ही नहीं है, डेबिट किसको करोगे आप? लॉजिक समझना है इसमें, बताओ रिमी, प्रॉफिट तो कहीं दिया नहीं, किसको डेबिट करोगे? सर कुछ नहीं डेबिट करेंगे कुछ नहीं डेबिट करेंगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा सॉल्व पूरा। देखो समझते हैं इसको, देखो ध्यान से समझिए, यही समझने का लॉजिक है। जब मैं पीएलएल अप्रोप्रिएशन बनाता हूँ, है ना, जब मैं पीएल कोई सा एक पीएल अप्रोप्रिएशन पे जाते हैं, देखिए ये पीएल अप्रोप्रिएशन है, टोटल में एक बार को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हटा दो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4,59,000 में बांट रहा हूँ, है ना? अगर मैं प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा तो ये रेशियो मेरा है जिसमें बांट देता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, 459 में कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देता हूँ, कुछ सैलरी के रूप में देता हूँ, कुछ कमीशन के रूप में देता हूँ, इस तरह से। अगर मान लीजिए कभी मैं कमीशन देना भूल गया कमीशन देना, तो ये जो 17,500 रुपये हैं ये किस रेशियो में बट जाएंगे बोलिए? मैं कभी कमीशन देना भूल गया तो ये पैसा किस रेशियो में पार्टनर्स के पास चला जाएगा, या पार्टनर को मिलेगा ही नहीं पैसा, क्या ऐसा है? सर वो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बढ़ जाएगा। यस, दक्ष ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, है ना? देखिए वापस इसको मैं ठीक कर देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, मेरे सर पास आपकी आवाज नहीं आ रही नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ है, आवाज़ आ रही है अभी? यस सर ठीक है, नेट प्रॉफिट मेरे पास 5 लाख है। सपोज करिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया है 2 लाख रुपीज़ का दिया, ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 2 लाख का दिया, बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा मेरे पास में? 3 लाख रुपीज़ का।
है ना, इसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा, इन प्रॉफिट रेशियो। अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन, ये मेरे को इंटरेस्ट ऑन नहीं कैपिटल समझ में आ, आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि मेरे को बीच में आवाज नहीं आ रही थी इसीलिए। चलिए ठीक है, ए है बी है, मान लीजिए इसको और थोड़ा क्लियरली लिखते हैं। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 1 लाख का, और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 50 हज़ार का, ठीक है। नेट प्रॉफिट 5 लाख का है। अब बाकी जो बचेगा प्रॉफिट रेशियो में जाएगा, बाकी कितना बचा है 3 लाख। प्रॉफिट रेशियो इज़ 1:1, 1:1, तो 3 लाख कितना, 1.5 लाख इसको मिलेगा, 1.5 लाख इसको मिलेगा। तो टोटल ए को कितना मिला, 250 और 2 लाख रुपीज़। यहाँ तक कुछ डाउट रिम्मी? नो सर, श्रेया आपको कुछ डाउट है? नो सर, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या है कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर को सिर्फ ज्यादा तीन कुछ लाख नहीं रुपए ही मिलेंगे, होता। ऐसा नहीं है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया तो मेरे पूरे 5 लाख रुपए जो हैं वो बराबर बराबर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 2.5 लाख इसको मिल जाएंगे, 2.5 लाख इसको मिल जाएंगे। ये बात समझने वाली है। तो जो पैसा मुझे 1,50,000 देना था वो मैंने कितना कितना दे दिया, 2.5 लाख इसको दे दिया और 2.5 लाख इसको दे दिया, है ना। जो मुझे 1 लाख ही देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, उसकी जगह मैंने यहाँ पर इसको 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा दे दिए, और इसको मैंने यहाँ पर जो है इसको भी इसको मैंने 1 लाख रुपीज़ कम दे दिए। बात समझ में आ रही है किम्मी? नो सर, नहीं समझ आया। सॉरी, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। चलो नहीं दोनों दिया। दो सिनेरियो बनाते हैं। ओके, दो सिनेरियो बनाते हैं तब और समझ में आएगा। देखिए, एक सिनेरियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, इसको हटा दो यहाँ से। टोटल मैंने ए को दे दिया 2,50,000, बी को दे दिया 2 लाख रुपीज़। अच्छा, 1.5 लाख रुपये हुआ है ये, रुकिए 1 मिनट। 1.5, और यहाँ पर कितना देना है, 3.5। सर प्रॉफिट कहाँ से आ गया? प्रॉफिट तो दिया ही नहीं था। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं जनरल सा एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि 5 लाख प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को इतना देना है, बी को इतना देना है, ओके, बाकी का जो बचा प्रॉफिट बराबर बराबर बांटना है। तो इस तरह से होएगा, ए को टोटल 275 मिलेगा, बी को 225 मिलेगा, राइट। श्रेया यहाँ तक समझ आई बात? अब मैंने गलती से क्या करा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, मैंने दोनों को 0-0 कर दिया। तो अब 5 लाख रुपए बराबर बराबर में बांट दूंगा, 250 इसको दे दूंगा, 250 इसको दे दूंगा। यहाँ ये भी समझ आ गया रिमी? यस सर, तो मेरा पॉइंट ये कहने का है कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया हूँ, ओमिट कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि 5 लाख रुपये पूरे बटे नहीं हैं। 5 तो फिर भी पूरे बटे हैं। ओनली थिंग इज कि जो पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, जितना पैसा जो था 1 लाख और 1.5 लाख मिलना, 50 मिलना चाहिए था, ये 1.5 लाख रुपए 1:1 में बट गए वहाँ पे। तो फिर वापसी वो फिर क्यों देगा? हाँ जी, वही तो, फिर वापस क्यों देगा? वापस क्यों देगा? हाँ वही, देखो, जब 5 लाख दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो ही गया। बिकॉज जितने ए को मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। देखो, यहाँ पर ए को कितने मिल रहे हैं, 275, अच्छा, बी को कितने मिल रहे हैं, 225। यहाँ ए को कितना मिल रहा है, 250, बी को कितना मिल रहा है, 250। तो एक भाई अल्टीमेटली 5 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा। समझ आई बात? तो ए को मिलने चाहिए थे 275, लेकिन ए को मिले 250, तो 50,000 रुपये, 25,000 रुपये उसको कम मिले। बी को मिलने चाहिए थे 225, उसको मिल गए उसको 25,000 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो ज्यादा बेसिकली मिल बी से लेकर के आप ए को दे दोगे। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 1.5 लाख रुपए हैं भाई, ये 175 प्लस 175, इसका
ये तो ठीक है, 1:1 के रेशियो में आपका यहाँ जा रहा है, लेकिन जो सर डेट पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 225 2 8। देखो एंट्री की बात अभी करेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट जानो कि 1.5 लाख रुपए जो मिलने चाहिए थे, इस 1.5 लाख रुपए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है, इसको मुझे जो 1,50,000 देना चाहिए था, इसकी जगह मैंने इस 1.5 लाख को बराबर बराबर बांट दिया। मतलब 75 इसको दे दिए मैंने और 75 इसको दे दिए मैंने। श्रेया बात समझ आई आपको? रिमी समझ आई आपको बात? नहीं सर, बीच में कोई आ गया था लास्ट में। आप क्या कह रहे थे? लास्ट में मैंने आपको ये बोला है कि जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाता हूँ, तो दैट डज नॉट मीन कि मैंने उतना पैसा, 1.5 लाख रुपए जो है, इतना मैंने बांटा ही नहीं। ओनली प्रॉब्लम इज कि जो 1,50,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको भी मैंने 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको भी मैंने 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब मैं 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो ए को 75,000 मिलेगा, आधा आधा मिलेगा ना। तो मैंने ए को 75,000 दे दिया, लेकिन उसको मिलना 1 लाख चाहिए था। श्रेया समझ में आया आपको? नहीं समझ आया? ओके ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। आपका आज का होमवर्क इस अप टू 53 तक ही है। 54 से हम 54 हमने कर लिया, 50 या 54 भी अभी हमने नहीं किया। इस पास्ट यार एडजस्टमेंट ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं आज मेरे को लेजी लेजी फील हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसीलिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसीलिए है। मेरा आज 3 क्वेश्चन बना भी नहीं, अच्छा कोशिश कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक जो है, हम वापस से सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी 53 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन बाकी बचा है, दक्ष आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं 53 तक। 53 तक आप कंप्लीट करिए। सर। यस दक्ष, मैंने एक नहीं किया, कौन सा नहीं किया मैंने? 50 50 52 51 52 से करने हैं मुझे, 50 तक कर लिए, 50 तक कर लिए, ठीक है। तो जो नहीं वो मैं किया, कल आपको सारे करके भेज दूंगा, ओके 54 ओके तक। ओके ओके ठीक है ठीक है। और सर कल क्लास होगी? नहीं कल नहीं होगी, कल सैटरडे नहीं, है, तो सैटरडे संडे आपके लिए ओके ऑफ है, ठीक है? तो ओके नेक्स्ट सर, क्लास विल बी ऑन मंडे। तो सैटरडे थैंक यू संडे को सर। आप और सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर सकते हैं, इसका जो रिवीजन करना है रिवाइज कर सकते हैं, कुछ डाउट्स इकट्ठे कर सकते हैं। सर दक्ष आपसे ई को भी बढ़ता है? क्या बोल रहे हैं आप? दक्ष आपसे इको भी बढ़ता है? उससे आपको क्या करना है? नहीं नहीं मैं बस ऐसे पूछ रही थी। आपको पढ़ नहीं क्या इको?